हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रवीण यादव, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन CSE एंड BSE डिपार्टमेंट, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट नंबर 4, एंड द सब्जेक्ट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CSE 4th सेम, एंड द टॉपिक इज मेमरी हायरार्की. सो बेसिकली अभी तक हमने लास्ट में जितना भी पढ़ा है, चाहे वो DMA से रिलेटेड हो, चाहे हमारे प्रोग्राम इंटरप्ट से रिलेटेड हो, चाहे इंटरप्ट इनिशिएटेड हो, हमें कहीं ना कहीं डाटा चाहिए होता है हमारे प्रोसेसर को, जिस डाटा पे मेरा प्रोसेसर अपनी प्रोसेसिंग प्रोसीड कर सके, एग्जीक्यूट कर सके. उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई मेमोरी भी रिक्वायरमेंट रहेगी. तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि कौन कौन सी मेमरीज है हमारे पास, क्यों हमें मेमरी की रिक्वायरमेंट है. अब बेसिकली हमारे पास मेमोरी किस लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें डाटा अपना स्टोर करना होता है, तो हमें कोई ना कोई मेमोरी चाहिएगी टू स्टोर द डाटा ऑन पर्टिकुलर सिस्टम. सो यहाँ पे वही चीजें हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक मेमरीज ऐसी होंगी जिसका कि साइज कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी, किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी का साइज कम होगा, किसी की स्पीड कम होगी. तो वो सारी आज देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी मेमोरी है, किस किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, हमारा प्रोसेसर किस तरीके से कौन सी मेमोरी को यूज करता है, कौन सी फास्ट एक्सेसिंग मेमोरी है, कौन सी स्लो एक्सेसिंग मेमोरी है. तो उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई मेमोरी की, ठीक है, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास मेमोरी की. तो वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉस्ट है. कि जब हम बात करते हैं कि नीचे से जब हम ऊपर की तरफ आएंगे, मीन्स जो हमारी मेमोरी हायरार्की है वहाँ पे जब हम बॉटम से टॉप की तरफ आएंगे, तो हमारी जो कॉस्ट पर बिट है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो जब कॉस्ट पर बिट इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरे पास मेमोरी का मेमोरी की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. तो वही रीजन है कि इंटरनल मेमोरी हमारे पास कॉस्टलियर है एज कम्पेयर टू दी एक्सटर्नल मेमोरी. देन कैपेसिटी की बात करते हैं हम, तो हम जब मेमोरी हायरार्की में टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे जाएंगे, तो जो हमारे पास टॉप लेवल पे जो हमारे पास लेवल जीरो है, उसका जो कैपेसिटी होगी, स्टोरेज कैपेसिटी होगी, वो कम होगी एज कम्पेयर टू दी जो लेवल फोर पे हमारे पास मेमोरी रहेगी उसके कंपेरिजन में. अब एक्सेस टाइम की बात करें, तो एक्सेस टाइम में हमारे पास जो टॉप ऑफ द हायरार्की पे रहेगी उसकी एक्सेस टाइम ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दी लास्ट लेवल में. हमें कोई डाटा राइट करना है, डाटा रीड करना है, तो हमारे पास जो लेवल जीरो पे जो मेमोरी है वहां से हमें डाटा, हमारे प्रोसेसर को डाटा राइट और रीड करना फास्ट है एज कम्पेयर टू ऑक्सिलरी मेमोरी एंड ऑल. देन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमारे पास जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी हमारे पास मेमोरीज पे डिपेंड है कि हमारा पर्टिकुलर सिस्टम कौन सी मेमोरी से उस टाइम पे डाटा को एक्सेस कर रहा है, और उसी के बिहाफ पे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी हम लोग देखते हैं. तो वही है कि यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरीज है वो कौन कौन से, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया हमने कि CPU रजिस्टर्स भी है, मेन मेमोरी भी है, और दोनों का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हमारा प्रोसेसर कैश रजिस्टर से डाटा को इजीली उठा लेगा एज कम्पेयर टू दी मेन मेमोरी से, वहां पे उसको टाइम लगेगा डाटा को फेच करने के लिए. तो वो सारा का सारा जो डिस्कशन है वो पूरी मेमोरी हायरार्की के अंदर है. तो ये बेसिकली हमारे पास लेआउट है मेमोरी हायरार्की का, दैट इज द CPU रजिस्टर्स हमारे पास टॉप पे रहेंगे जो कि लेवल जीरो, और जिसकी हम बात कर सकते हैं कि वो CPU के अंदर इनबिल्ट रहते हैं हमारे. तो जब ये CPU के अंदर इनबिल्ट है, तो इसलिए हमारे रजिस्टर्स जो है वो फास्ट एक्सेसिंग डिवाइस है. दूसरा हमारे पास कैश मेमोरी है जो कि लेवल 1 पे है, देन आपकी मेन मेमोरी है जो कि लेवल 2 पे है, देन आपकी लेवल 3 एंड लेवल 4 को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और हमारे पास लेवल 3 को जो हमारे पास है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसके अंदर आपका एग्जांपल होगा मैग्नेटिक डिस्क. वहीं पे लेवल 4 पे जो हमारे पास टर्शियरी स्टोरेज है, वहाँ पे आपका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक टेप्स का. यहाँ पे हमने एरो करके शो किया हुआ है कि हमारे पास ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम रेशियो, मीन्स कि एक्सेस टाइम इसका फास्ट है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है. अब हमने बात की लेवल जीरो पे, तो हमारे पास ये फाइव लेवल है लेवल जीरो से लेवल फोर तक. तो लेवल जीरो पे हमने बात की है CPU रजिस्टर्स की. रजिस्टर्स हम लोग फर्स्ट यूनिट से पढ़ते हुए आ रहे हैं. रजिस्टर्स बेसिकली हमारे पास किसके बने हुए थे, फ्लिप फ्लॉप्स के, और फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करके अपने पास रखता है, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम यूज करके एक रजिस्टर हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे, सो डेट कि हम पर्टिकुलर डाटा को स्टोर कर सके. ये हमारे पास रजिस्टर से हमने बात की कि जो टॉप ऑफ द मेमोरी, जो मेमोरी हायरार्की में टॉप पे है, वो हमारे पास कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन. तो रजिस्टर्स हमारे पास कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन, और यहाँ पे जो साइज है उसका वो स्मॉल है इन द फॉर्म इन KBs में. देन आपका लेवल 1 पे है कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी हमारे पास लेवल 1 पे प्रेजेंट रहेगी.
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि कुछ डाटा जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज में रहेगा हमारा, वो डाटा हमारे पास कहाँ पे पड़ा रहेगा, कैश मेमोरी में। सो डैट कि मेरा प्रोसेसर डाटा को कैश मेमोरी से ले, ना कि मेन मेमोरी के पास मेरे प्रोसेसर को जाना पड़े, क्योंकि जब मेन मेमोरी पे मेरे पास प्रोसेसर जाएगा तो वहाँ से डाटा को रीड या राइट करने में मेरे प्रोसेसर को ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। ठीक है, कैश मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड एज यूजिंग एज अ स्टैटिक रैम का एक पोर्शन है। दूसरा, इट इज एक्सपेंसिव एंड स्मॉलर इन साइज, मीन्स आपका जो रजिस्टर है उससे थोड़ा सा साइज का ज्यादा होगा, जो कि डाटा को किस में स्टोर करके रखेगी, MBs की फॉर्म में। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी प्राइमरी मेमोरी की, जो कि मेन मेमोरी है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू विद ऑक्सिलरी डिवाइसेस थ्रू एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस हमने कनेक्ट किया तो हम किस तरीके से वहां से डाटा हमारा प्रोसेसर किस तरीके से एग्जीक्यूट कराएगा। अपने 3 स्टेप्स वहां पे पढ़े भी थे, दैट इज, वन इज द प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इनिशिएटेड एंड द थर्ड वन इज DMA। ठीक है, तो वो सारा काम हमारे पास वहाँ पे वर्किंग हमने कर ली थी। ये लेस एक्सपेंसिव है देन अदर मेमोरीज, और यहाँ पे जो साइज है वो बढ़ जाएगा, GB की फॉर्म में हमारे पास साइज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन हमारे पास लेवल 3 है, वो आपका है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो लेवल 3 पे आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है उसमें एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डाटा को बैकअप करने के लिए, चीपर देन मेन मेमोरी है और साइज भी यहाँ पे ज्यादा है हमारे पास ऑक्सिलरी मेमोरी का। फोर्थ लेवल पे भी आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी, और यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक टेप्स, इनका भी साइज हमारे पास TB की फॉर्म में रहेगा, और दे आर स्टोर रिमूवेबल फाइल्स। हमें जो कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर करा के रख सके, तो वो उसके लिए भी हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की है यहाँ पे ऑक्सिलरी की मेमोरी, तो ऑक्सिलरी मेमोरी हमारे पास एक्सेस टाइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द हायरार्की में, तो एक्सेस टाइम जो इसका कम है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास जो ऑक्यूपाइज है सेंट्रल पोजीशन में हमारे पास मेन मेमोरी रहेगी। ये आपके पास एक पर्टिकुलर डायग्राम है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि ये आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है दोनों, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो हमने पहले इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये बाई डायरेक्शनल यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये भी बाई डायरेक्शनल यहाँ पे कम्युनिकेटेड है। उसके बाद इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से सीपीयू और मेन मेमोरी, मेरा पास सीपीयू जो होगा वो मेन मेमोरी से लिंकअप रहेगा, कैश मेमोरी से भी लिंकअप रहेगा। अब यहाँ पे जो हमने बात की थी लास्ट टाइम पे कि किस तरीके से मेरे पास इनपुट आउटपुट या आईओ इंटरफेस कैसे मेरे पास यहाँ से डाटा यहाँ तक पहुँचाता है, वो सारा का सारा प्रोसेस हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा कि किस तरीके से मैग्नेटिक टेप से डाटा मेरे पास यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आएगा, और उसके बाद मेरे पास वो डाटा मेन मेमोरी से मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने जो लास्ट क्लास में की थी वो कंप्लीट कर चुके हम लोग। उसके बाद यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में हमें एक चीज और करनी पड़ेगी कि यहाँ पे इसके बीच में एक लिंकअप होगा हमारा, जो हमारे पास मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के बीच में। अभी यहाँ पे एक वो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ, शायद पिक्चर में गलत हो गया ये, तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेट करेगी मेरे पास कैश मेमोरी के लिए। ठीक है, क्योंकि कैश मेमोरी में डाटा कहाँ से आएगा, वो भी तो मेन मेमोरी से आएगा बाय डिफॉल्ट। वो हम देखेंगे भी कि कैसे भी कैश मेमोरी से हम लोग डाटा मेन मेन मेमोरी से कैसे कैश मेमोरी के अंदर डाटा लेके आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सेसिंग मेथड्स की, कि हमारे पास मेन मेमोरी से हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पे जो वेज, हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आपके पास डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड हमारे पास। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में बेसिकली क्या है हमारे पास, कि जो डाटा हम लोग सर्च करेंगे अपने किसी भी डिवाइस में, किसी भी मेमोरी डिवाइस में, वो सीक्वेंस वे में जाएगा, 1, 2, 3 की फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा एक्सेस इज वेरी स्लो हो जाएगा, बिकॉज द डाटा विल बी सॉर्टेड एक्सेस सीरियली 1 बाय 1। डेट मीन्स अगर मुझे 7 लोकेशन पे कोई मेरा डाटा है, मुझे वो फेच करना है, तो मुझे सीक्वेंस वे में जाना पड़ेगा, पहले 1 पे 2 पे 3 पे, देन मैं 7 पे पहुंचूंगा। तो यहाँ पे तो भी हमने मेंशन जस्ट 8 लोकेशन की हुई है, नंबर ऑफ लोकेशंस बहुत सारी हो सकती है आपकी, तो वहां से डाटा को एक्सेस करना मेरे लिए एक स्लो टास्क हो जाएगा मेरे प्रोसेसर के लिए। डाटा एक्सेस इज डन इज सीक्वेंशियली, और वो हमें किस पे वर्क होता है, मेरे पास मैग्नेटिक टेप पे। तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा, मेरे पास मैग्नेटिक टेप, दैट मींस कि ये हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस हमारे पास कौन सी मेमोरी के अंदर होते हैं, आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर कौन सा एक्सेस होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। देन हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो रैंडम एक्सेस मेथड की सेकंड वन इज रैंडम एक्सेस मेथड। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे जिस पर्टिकुलर लोकेशन का डाटा चाहिए, मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन का डाटा यहाँ पे फेच कर सकता हूँ। ठीक है,
वो जो डाटा हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल देगा कि मुझे फर्स्ट वन का डाटा चाहिए था, देन मुझे टू पे यहाँ पे जो सेकंड लोकेशन है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा मिलेगा। फिर यहाँ से हम थ्री पे आए हैं, फिर यहाँ पे फोर पे आए हैं, फोर से फाइव पे, फाइव से सिक्स पे, और सिक्स पे सेवन पे। मीन्स रैंडमली हम लोग डाटा को वहाँ से फेच कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस डिकोडर यूज होता है हमारे पास एड्रेस जनरेट करने के लिए, जो कि मेमोरी का एड्रेस होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास फास्ट एक्सेस है, हमारे पास फास्ट डाटा एक्सेस है। और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है इसका, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका हो गया रैंडम एक्सेस मेथड का एक एग्जांपल। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हमने जो लास्ट क्लास में किया था डायरेक्ट डीएमए, डीएमए कंट्रोलर भी किया था हमने, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो हमने वहाँ पे भी किया था, तो वही चीज़ हमारे पास, उसी वही कंप्लीट सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे है डाटा को एक्सेस करने के लिए। और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है कि ऑब्टेन डाटा फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस बाय गोइंग डायरेक्टली टू वेयर इट इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द डिवाइस रेदर देन बाय हैविंग सीक्वेंशियल टू लुक आफ्टर फॉर द डाटा। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है वहाँ से हम लोग अपने मेमोरी तक, अपने सीपीयू तक कैसे डाटा को हम लेके आते हैं। तो वही एग्जांपल हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क का दिया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क का दिया हुआ है। हमारे पास वहाँ पे डीएमए कंट्रोलर था जो कंट्रोल करके रखता था जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आपकी मेमोरी सीपीयू तक जाएगी या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस से आएगी, तो वो सारा का सारा डीएमए कंट्रोल करके रखता था। और वही एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटिव एक्सेस मेथड। ये जो एसोसिएटिव एक्सेस मेथड है इसका एक एग्जांपल हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स आएगी कि कैश मेमोरी से हम लोग डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक्सेस डाटा कंडक्टेड बाई कंपेयर विच कंपेयर द कंटेंट ऑफ द डाटा सॉर्ट बाय द की ऑफ इज ओन नॉट बेस्ड ऑन द एड्रेस डाटा। इफ द डाटा इज मैच द सॉर्ट वॉज फाउंड एल्स और डाटा एक्सेस इज वेरी फास्ट। तो इसका एग्जाम्पल है कैश मेमोरी। ठीक है, तो हमने इसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। डीएमए का एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पे दे सकते हो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। कैसे मेमोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आप लोग जानते हो सीक्वेंशियल के बारे में। सो अपना चलते हैं उसी स्लाइड पर। ठीक है, ये हमने मेमोरी एक्सेस मेथड्स के बारे में बात की है। अब यहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरी, मेन मेमोरी आपके पास कौन कौन सी है। मेन द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद इन द सीपीयू, सीपीयू ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी, उसको हम क्या बोलते हैं मेन मेमोरी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मेन मेमोरी भी हमारे पास रैम होगी और रोम होगी। रैम भी हमारे पास थ्री टाइप्स की है यहाँ पे, और इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली आप लोग ये फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं और इवन ट्वेल्थ क्लास से भी शायद इलेवंथ तो ट्वेल्थ नाइन्थ टेंथ में अब स्टार्ट हो जाता है रैम और रोम के बारे में। तो आप लोग वहाँ भी पढ़ चुके हो रैम और रोम के बारे में। तो यहाँ बेसिकली हम जस्ट एक लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि एक होगी डायनामिक रैम, एक होगी स्टैटिक रैम, एक होगी एनवी रैम। डायनामिक रैम बेसिकली हमारे पास कैपेसिटर से और आपके ट्रांजिस्टर से बनके मिलके बनी हुई होती है, जिसमें हमें डाटा को रिफ्रेश करना पड़ता है, और चिपर है हमारे लिए बट उतनी ही स्लोअर भी है। वहीं पे एस रैम है हमारे पास, जो कि एक ट्रांजिस्टर का पूरा सर्किट के साथ बनी हुई होती है। यहाँ पे हम लोग डाटा को रिटेन कर सकते हैं, अगर पावर स्विच ऑफ भी हो रही हो तो हमारे पास हम डाटा को रिटेन कर सकते हैं। एंड इन एज अ सिक्स सर्किट इन सेल एंड रिटेन्स डाटा अंटिल, जब तक हमारे पास पावर ऑफ ना हो तब तक हम डाटा को यहाँ पे रिटेन करके रख सकते हैं। जबकि डी रैम में हमें क्या था, पर्टिकुलर स्पेस को पर्टिकुलर उसके लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ता था। और एस रैम में हमारे पास क्या, जब हमारे पास सिस्टम शटडाउन हो जाएगा उस टाइम तक हम डाटा को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आया हमारे पास नॉन वोलेटाइल रैम। अब यहाँ पे क्या था, अगर आप लोग सिस्टम को शटडाउन भी कर देते तो भी आपका डाटा सेव हो जाता है, जो कि हम अभी करंट सिनेरियो में यूज भी करते हैं। तो हम वो हमारे पास NV रैम, नॉन वोलेटाइल रैम। दूसरा हमारे पास रोम, तो यहाँ भी आपको नंबर ऑफ रीड ओनली मेमोरी, ये भी नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, ये बेसिकली रोम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हमारा प्रोसेसर, जब आप लोग एक सिस्टम को रन करते हैं तो उस टाइम पे जो एक फाइल लोड होती है हमारे पास वो कहाँ पे होती है, हमारे पास एक वो कहाँ क्या क्या स्टोर कर करके, बूट स्टेप लोडर जो मेरे पास प्रोग्राम है। मीन जब मेरा सिस्टम को बायोस जब चलती है उस टाइम पे जो फाइल जो लोड होती है वो फाइल मेरे रोम के अंदर होती है, और उसी की वजह से, उसी फाइल के रन होने की वजह से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। अब यहाँ पे इसके भी नंबर ऑफ टाइप्स है जो कि हमने यहाँ पे मैंशन भी किए हुए हैं। पी रोम है, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम है, इरेजेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, देन डबल ईपी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में आप लोग पहले भी कर चुके पढ़ चुके हो।
उसके बाद है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में हमने बात किया था कि मैग्नेटिक डिस्क है हमारे पास, टेप्स हैं जो कि ऑक्सिलरी डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम डीएमए ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम लोग डाटा किस तरीके से यहाँ से एक्सेस करते थे। वो सारा प्रोसेस भी यहीं पे लिखा हुआ है कि डिवाइस डेट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। एग्जाम्पल आपके पास मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स हैं, अदर डिवाइस यूज्ड इन आर मैग्नेटिक ड्रब्स भी हैं, बबल मेमोरी भी है, ऑप्टिकल डिस्क भी आपकी जो भी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कि इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग द इनपुट आउटपुट चैनल्स। इस पर्टिकुलर लाइन के बारे में हम लास्ट वीडियो में पूरा अच्छी तरह क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से मेरा इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू मेरा डाटा मेरे, तो मैं बात करूँ कि आपका पेन ड्राइव से अगर हम लोग डाटा ले रहे हैं या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस जिससे ले रहे थे, कि वो डाटा हमारे सीपीयू तक कैसे आता है, तो वो सारे के सारे प्रोसेस हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी, और मेमोरी हायरार्की में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हो सकता है कि मेमोरी हायरार्की के बारे में मैं भी पूछ ले, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैश मेमोरी एंड द टेक्निक्स ऑफ कैश मेमोरी। तो यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली वो डाटा जो मेरे सीपीयू को बार बार चाहिएगा या रेंडमली चाहिएगा या बार बार चाहिएगा फ्रीक्वेंट वे में चाहिएगा, ठीक है। जो फ्रीक्वेंट वे में डाटा चाहिए मेरे सीपीयू को, उस डाटा को मेरा सीपीयू क्या करता है, कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करा के रख लेता है अपने पास। सो डेट कि अगर उसको वो हर कुछ टाइम बाद उस पर्टिकुलर डाटा की रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे बार बार मेरे प्रोसेसर को मेन मेमोरी पर ना जाना पड़े, वो कैश मेमोरी से डाटा को उठा ले। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सपोज आपका कोई सी का प्रोग्राम है, वहाँ पे आप लोगों ने रिकर्जन रन की हुई है, कोई भी आपका सी प्रोग्राम है वहाँ पे आप लोगों ने रिकर्जन चला रखा है, तो वो रिकर्जन में क्या होता है कि वो बार बार उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करता रहता है, और जब तक आउटपुट आते रहते हैं, जब तक वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक कोड को वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है, तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। तो वो जो पर्टिकुलर सिनेरियो चल रहा है, वो एक एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं कैश मेमोरी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डाटा रिकर्जन का गया होगा तो वो डाटा मुझे सेकंड टाइम पे जब वो रन होगा तब भी चाहिएगा, तो वो आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे कैश मेमोरी का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज होगी कि जब हमारे पास सीपीयू नीड्स टू एक्सेस मेमोरी, इट फर्स्ट चेक्स द कैश मेमोरी। इफ द डाटा इज नॉट फाउंड इन कैश मेमोरी, देन द सीपीयू मूव्स ऑन टू द मेन मेमोरी। इट आल्सो ट्रांसफर्स ब्लॉक ऑफ रीसेंट डाटा इनटू द कैश एंड कीप्स ऑन डिलीटिंग द ओल्ड डाटा इन टू अकोमोडेट द न्यू वन। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कैश मेमोरी के पास हमारे पास स्पेस कम है, तो हमारे पास जो डाटा को पुराना हो चुका है, जिस डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्रोसेसर को अभी, उस डाटा को वहाँ से रिमूव करके मेन मेमोरी से जो ब्लॉक उसको चाहिएगा, पर्टिकुलरली ब्लॉक जो भी उसको चाहिएगा, वो वहाँ से उठा के और कैश मेमोरी के अंदर यूज कर लेगा। जैसे सपोज करो कि मेमोरी लोकेशन में लोकेशन नंबर जो या एड्रेस अगर 60 से लेके 65 के बीच में आपके रिकर्सन से रिलेटेड कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है, लाइक आपने वहाँ पे दो या तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, कोई फंक्शन वहाँ पे रन करा रखा है, या कोई आपने वहाँ पे समीशन वगैरह, कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे उस पर्टिकुलर 60th लोकेशन से लेके 65th तक के बीच में जितने भी लोकेशन थे, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर हम करें तो उठा के कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो डेट कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड वहाँ से एग्जीक्यूट होता रहे, ना कि मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट होता रहे। तो कैश मेमोरी हमारे पास किसका पार्ट, एक तरीके से बोल सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। द मेन एडवांटेज इज इट इज वेरी फास्ट, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द सीपीयू एट मच फास्टर स्पीड देन द मेन मेमोरी। लोकेशन अब कहाँ पे होगी, कैश मेमोरी जो हमने ऊपर डायग्राम में बनाया था, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में मेरे पास क्या होगी, कैश मेमोरी होगी। जब सीपीयू की बात करें और कैश की बात करें, तो इन दोनों के बीच में वर्ड ट्रांसफर होगा, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं सीपीयू और कैश के बीच में, तो जो डाटा ट्रांसफर है उसको हम बोलते हैं वर्ड ट्रांसफर की फॉर्म में। जब हमारा डाटा कैश और कैश में कैसे और मेन मेमोरी के बीच में जब डाटा ट्रांसफर होगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बिटवीन द कैश मेमोरी एंड द सीपीयू एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स बिटवीन द कैश मेमोरी एंड द मेन मेमोरी, या ब्लॉक्स या पेजेस के फॉर्म में जब डाटा ट्रांसफर होगा, तो वो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, जब हमारे पास कैसे और मेन मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ट्रांसफर या पेज ट्रांसफर। पर्पस वही है कि हाई स्पीड है, हमें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए सिस्टम की, इसलिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। दूसरा, इट डज नॉट लेट द सीपीयू परफॉर्मेंस सफर ड्यू टू द स्लोअर स्पीड ऑफ द मेन मेमोरी। बेनिफिट ये है कि मेरे प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ता कि वो मेन मेमोरी पे जाए और फिर वहां से डाटा को लेके आए, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको रिमूव करने के लिए, या उस टाइम जो वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था उसको वहाँ से उस टाइम को कम करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, वेन एवर एनी प्रोग्राम हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे ये एक स्टेप्स है हमारे पास यहाँ तक का जो है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, जब भी मेरा प्रोसेसर
को कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो क्या करता है, फर्स्ट में उस प्रोग्राम को वो मेन मेमोरी के अंदर लोड करेगा। अब वहां से क्या होगा कि कुछ पोर्शन वो प्रोग्राम का जो कि मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरे बार बार रिक्वायरमेंट रहेगी, उस पर्टिकुलर ब्लॉक बोल दें हम अभी, या उस पर्टिकुलर पेज बोल सकते हैं, या उस पर्टिकुलर जो पोर्शन है प्रोग्राम का वो उठा के हम लोग कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करा लेता है हमारा प्रोसेसर। अब उसके बाद सीपीयू क्या करता है कि उस पर्टिकुलर डाटा को वहां से फास्टली एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट स्टेप जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वेन एवर सीपीयू रिक्वायर्स एनी वर्ड ऑफ मेमोरी, जब सीपीयू को कोई ना कोई वर्ड चाहिए मेमोरी से, कोई भी मेमोरी हो सकती है, मतलब मेमोरी लिखा है, मेन मेमोरी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी मेमोरी से मेरे सीपीयू को वर्ड चाहिए, मीन्स मेरा सीपीयू चाहता है कि उसके पास कोई ना कोई डाटा आए, उसको कोई ना कोई उस पर्टिकुलर डाटा पे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा फर्स्ट सीपीयू जो इनबिल्ट मेरे पास वहाँ पे रजिस्टर्स होंगे वहाँ पे चेक करेगा, अगर वहाँ पे डाटा होगा तो वो डाटा मेरा प्रोसेसर के पास चला जाएगा और प्रोसेसर अपनी जो भी ऑपरेशंस है वो एएलयू के पास देके एएलयू उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ पे डाटा नहीं है तो आपके पास दो कंडीशंस आएंगी, फर्स्ट इट इज रिक्वायर्ड वर्ड इज इफ द रिक्वायर्ड वर्ड इज फाउंड इन द रजिस्टर, तो वहां से वो डाटा को लेगा और एएलयू के पास प्रोवाइड करा देगा, एएलयू अपने फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अगर डाटा वहां पे नहीं है तो हम जाएंगे स्टेप टू पे, डेट मीन्स कि अब हम कहाँ पे जाएंगे, कैश मेमोरी पे। अब कैश मेमोरी में हम चेक करेंगे कि डाटा है या नहीं है कैसे के अंदर, इफ डाटा इज देयर तो यहाँ पे एक टर्म होगी डेट इज कैसे हिट, डेट इज कि जो डाटा मेरे प्रोसेसर को चाहिए था उसको वो डाटा वहाँ पे मिल गया है कैश मेमोरी के अंदर, डेट मीन्स द टर्म इज कैसे हिट, अदरवाइज वहाँ पे डाटा नहीं मिलता है तो डेट इज कैसे मिस, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई भी है, व्हेन द रिक्वायर्ड वर्ड इज नॉट फाउंड इन द सीपीयू रजिस्टर इट इज सर्चेबल इन द कैश मेमोरी। ठीक है, टैग डायरेक्टरी द कैश मेमोरी इज यूज्ड टू सर्च वेदर द रिक्वायर्ड वर्ड इज प्रेजेंट इन द कैश मेमोरी और नॉट। अब ये टैग डायरेक्टरी के बारे में, जब कैश मैपिंग के बारे में बात करेंगे तब वहाँ पे समझेंगे कि टैग डायरेक्टरी क्या है। अब यहाँ पे भी दो केस बनने जो हमने बात की कि अगर डाटा मिल जाता है तो वहाँ पे कैसे हिट और डाटा नहीं मिलता है तो कैसे मिस। अब जब डाटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला है तो अब कहाँ पे सर्च करेगा मेरा प्रोसेसर, मेन मेमोरी के अंदर। अब मेन मेमोरी के अंदर जब हम लोग सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या चीज चेक करेंगे, पेज टेबल की फॉर्म में। ठीक है, ये हमने बात की थी कि कैसे से जब मेन मेमोरी में जा रहे हैं ब्लॉक या पेज की फॉर्म में बात कर रहे थे और यहाँ पे वर्ड की फॉर्म में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि मेन मेमोरी के अंदर हम लोग सर्च कर रहे हैं, पेज टेबल इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द रिक्वायर्ड पेज इज प्रेजेंट, एक पेज टेबल वहां पे होता है मेरे पास मेन मेमोरी के अंदर, हम वो पेज टेबल अगर हम उस पेज टेबल के अंदर हम डाटा चेक करेंगे, पर्टिकुलर लोकेशन चेक करेंगे, अगर उस लोकेशन पे डाटा है तो ओके, अदरवाइज वहां पे भी दो कंडीशन जनरेट होगी, फर्स्ट केस इफ द पेज कंटेनिंग द रिक्वायर्ड वर्ड इज फाउंड इन द मेन मेमोरी तो वो कैसे मेमोरी में आएगा, कैसे मेमोरी के थ्रू वो फिर मेरे सीपीयू के पास चला जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग अब होगी मेन मेमोरी से कैसे मेमोरी के अंदर डाटा कैसे आएगा, उस टेक्निक को हम बोलते हैं कैसे टेक्निक, कैसे मैपिंग टेक्निक। ठीक है, दूसरा केस है यहाँ पे कि अगर जो वर्ड है वो नहीं मिलता है मेरे पास मेन मेमोरी पे, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक जो टर्म जनरेट होती है वो होते हैं पेज फॉल्ट अकर, और पेज फॉल्ट अकर का जो एग्जांपल आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर करोगे अच्छी तरह कि वहाँ पे पेज फॉल्ट किस तरीके से जनरेट होता है, आप लोग देखोगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस वहाँ पे एग्जीक्यूशन में है, किसी पे प्रोग्रेस किसी प्रोसेस को कोई पेज चाहिएगा, किसी प्रोसेस को कोई पेज चाहिएगा, हो सकता है वो पेज वहाँ पे ना मिले तो वहाँ पे पेज फॉल्ट जनरेट होगा। द पेज कंटेनिंग द रिक्वायर्ड वर्ड इज मैप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी। अब क्या करेंगे हम, जब पेज फॉल्ट अकर हो गया तो अब हम सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को लेके आएंगे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, और फिर मेन मेमोरी से कैसे मेमोरी के अंदर, फिर वो कहाँ पे आ जाएगा, सीपीयू के पास। तो ये आपका जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ, ये मेरे पास कैसे मेमोरी से डाटा मेरा प्रोसेसर किस तरीके से प्रोसीड करेगा, पहले रजिस्टर के पास जाएगा, फिर वो कैसे के पास जाएगा, फिर वो मेन मेमोरी के पास जाएगा, फिर वो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, और इस तरीके से वो डाटा अपने पास लेके आएगा। और जैसे जैसे मेरे पास मेरा प्रोसेसर ये रजिस्टर से लेके और लास्ट में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तक जाएगा, वैसे वैसे मेरे प्रोसेसर की स्पीड स्लो होती जाएगी और मेरे जो मेरे पास आउटपुट जो मुझे चाहिए होगा उसकी परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक है मल्टी लेवल कैसे ऑर्गेनाइज, कोई टॉपिक नहीं, इसी का एक सब पार्ट है कि मल्टी लेवल कैसे ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम लोग कैसे मेमोरीज को डिफरेंट साइज में या ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अलग अलग मल्टीपल लेवल पे, सो डेट की जो स्पीड है मेरे प्रोसेसर की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, स्पीड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। स्मॉलर द साइज ऑफ कैसे, फास्टर द स्पीड। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैसे, मेमोरी इज प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द सीपीयू।
दिस हेल्प्स टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ये सारे के सारे जो चार टॉपिक हैं, जो चार पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम इसके बारे में स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बात करते हैं हिट रेशियो की, तो हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि हिट क्या था और मिस क्या था, बट यहाँ पे क्या है कि हिट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हिट है, मीन्स सपोज करो कि यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि आप लोगों को नंबर ऑफ हिट्स है यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम चलते हैं इसके लिए एक एग्जांपल में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे जो टोटल आपके पास है, टोटल जो प्रोसेस मेरे सीपीयू ने हिट की है, या टोटल पेजेस लिख देते हैं, वर्ड लिख देते हैं, टोटल वर्ड जो मेरे पेज हिट किए हैं वो है यहाँ पे 20, मिस हो गए हैं यहाँ पे आपके 25, मिस हुए हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ पे जो अब आएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, 20/25। डेट मीन्स कि यहाँ पे जब जो वैल्यू आएगी आपके पास रेशियो की, वो आ जाएगी 20/25, तो ये आपकी हो जाएगी कैसे, हिट रेशियो। ठीक है, यही यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ कैसे हिट कितनी थी, 20, मीन्स हमने टोटल 5 हिट्स की हैं वहाँ पे, जिसमें से 20 हिट हुई है और 5 मिस हुई है, तो वो आपके पास हिट रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे मैपिंग। कैसे मैपिंग बेसिकली हम लोग पहले डेफिनेशन कर चुके हैं, अभी बीच में भी आए थे हमारे पास, कि किस तरीके से हम लोग एक ब्लॉक ऑफ अ मेन मेमोरी को मैप करेंगे अपने मेन मेमोरी से कैसे मेमोरी के अंदर, उस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे कैसे मैपिंग टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो पूरी प्रोसेस के बारे में, और देख लेते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, देन मेन मेमोरी आई, देन कैसे आई, देन सीपीयू रजिस्टर्स आई, इन दोनों के बीच में वर्ड की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, इन दोनों के बीच में ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हमने बात की थी पेज की फॉर्म में डाटा कर हो रहा है, पेज फॉल्ट वगैरह। अब यहाँ पे ये वर्चुअल मेमोरी मैपिंग है, इसको हम वर्चुअल मेमोरी मैपिंग बोलेंगे, और जब डाटा मेन मेमोरी से कैसे के अंदर आएगा तो वो कैसे मेमोरी होगी, कैसे मैपिंग होगी। ठीक है, अब मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू इक्वल साइज पार्टीशंस कॉल्ड एज ब्लॉक, ये हमें जो पार्टीशंस है वो किस फॉर्म में डिवाइडेड है, ब्लॉक्स या फ्रेम की फॉर्म में, फॉर्मेट में। उसके बाद कैसे इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशन हैविंग द सेम साइज एज दैट ऑफ ब्लॉक इज कॉल्ड लाइंस, मींस कि एक ब्लॉक का जो साइज होगा उसका साइज जितना ही मेरे पास कितना हो जाएगा मेरे पास कैसे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। ये देखेंगे कि ब्लॉक को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं लाइंस के अंदर। उसके बाद ड्यूरिंग कैसे मैपिंग ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी सिंपली कॉपीड टू, जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक है उसको सिंपली हम लोग कहाँ पे कॉपी कर देते हैं, अपने कैसे के अंदर, सिंपली कॉपी टू द कैसे, एंड द ब्लॉक इज नॉट एक्चुअली ब्रॉट फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब वो क्या होगा कि मेरा प्रोसेसर यहीं से डाटा को उठाएगा, ना कि यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेक्निक्स है, इस टेक्निक के अंदर आपके पास 3 टेक्निक होगी, डायरेक्ट मैपिंग, फुल एसोसिएटिव, फुली एसोसिएटिव मैपिंग, और के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये 3 तरीके की टेक्निक हम लोग कैसे मैपिंग के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, 3 चीजें हमारे पास, वैलिड बिट है, टैग है, और डाटा है। डाटा तो जो डाटा वाला फॉर्म ब्लॉक आपका, वो तो डाटा को वहाँ पे अपने पास डाटा रखेगा, टैग है जो कि मेन मेमोरी का एड्रेस अपने पास रखेगा, और वैलिड बिट है वो बताएगी कि 0 इफ द डाटा इज, डाटा ब्लॉक इज नॉट रेफरेंस्ड, और देन 1 देन डाटा ब्लॉक इज रेफरेंस्ड। मीन्स कि यहाँ पे कैसे होगा कि अगर मान लो वैलिड बिट के अंदर मेरे पास अगर 0 है, डेट मीन्स कि मुझे डाटा वहीं पे मिल जाएगा, और 1 है तो डाटा ब्लॉक के पास मुझे जाना पड़ेगा, डेट इज, डेट मीन्स कि मेरे पास डाटा यहाँ पे नहीं है, जब टैग इसकी वैल्यू, वैलिड की वैल्यू क्या है, 1, डेट मीन्स कि मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में, और जब वैलिड की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब डाटा मेरे पास यहीं पे है। तो ये आज आपका एक टॉपिक हो गया, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए।